वो पीपीटी नहीं चलाऊंगा, कल आपने पीपीटी देखा थोड़े बोर हो गए होगे, ठीक है, लेकिन आज हम लोग कुछ काम करेंगे, काम ऐसा करेंगे जो आपको काम में आए, ऐसा ही काम करना चाहिए जो काम में आए, तो उसी के लिए ऐसा काम करेंगे जो आपको काम में आएगा। आज जैसे कल मैंने बताया था, दो तीन लोगों ने बोला था भाई ये वेबसाइट गूगल वेबसाइट का या वो है वो नहीं पता, तो आज हम लोग वो प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाए, जिन लोगों के पास नहीं है तो वो। गुड मॉर्निंग मैम, नाइस टू सी यू वेरी विथ। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी आई जॉइंड स्लाइटली लेट ड्यू टू अ मीटिंग। आपने मिस कर दिया हमारा चाय वाली बात। यस हाँ जी ठीक सर, है, तो मैं इन लोगों को जी बता जी रहा था, चाय ही ऐसी चीज आपका है जो बहुत बहुत थैंक स्वागत है सर जी। यू वेरी मच। इन लोगों को बता रहा था, आपको आपने मिस किया तो आपको भी बता दें कि भाई जो चाय पीते हैं उनको ही चाय का इम्पोर्टेंस पता होता है कि चाय ही ऐसी चीज है ना, जो पिलाई जाती है और पी जाती है, उसको फेंकी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक बात है सर, चाय की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर यस, सकते। दुनिया सारी दुनिया एक तरफ, चाय एक तरफ, वो भी सुबह वाली। आपके यहाँ पे पराठे का महत्व है, हमारे यहाँ पे भाई चाय और फाफड़े का महत्व है। संडे पूरे गुजरात के अंदर संडे आप जाएंगे तो बाजार के बाहर पूरा लाइन लगा होगा गाठिया लेने के लिए, फाफड़ा गाठिया। जी हमने तो देखा है ये, सर। हाँ, तो उसी को याद करके, ये सुहानी मौसम है, थोड़ी अभी गर्मी बढ़नी चालू हो जाएगी लेकिन अभी इतनी नहीं है, तो मैं इन लोगों को आज गूगल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, जी क्योंकि कल मैंने पूछा इन लोगों, बहुत सारे लोगों को पास नहीं है, तो जी वो एक अच्छी चीज है कि अगर सब फैकल्टी की खुद की वेबसाइट है सो दे जी कैन कम्युनिकेट विद देयर स्टूडेंट्स एंड दे कैन प्रोवाइड रिसोर्सेस थ्रू वेबसाइट्स। तो जी आज के जमाने में टीचर भी एक ब्रांडिंग इक्विटी है, यस तो उनको खुद का ब्रांड करना चाहिए। मैं ऐसा हमेशा मानता हूँ कि टीचर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। जब भी मेरे पास कोई आता है बोलते हैं सर साइन दो, तो मैं बोलता हूँ भाई टीचर कभी साइन नहीं देता, टीचर ऑटोग्राफ देता है, ठीक है। तो टीचर भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, बिकॉज टीचर इज इन्वॉल्व इन द नर्चरिंग ऑफ लाइफ, लेकिन हम अपने आप को क्लर्क समझ लेते हैं। और अच्छा, मेरा कैमरा ऑफ है, अभी मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, अभी सब कुछ दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। यस सर, हाँ जी सर, एवरीथिंग ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, ऑनलाइन की ये मगजमारी होती है, मेरे को लगा मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कैमरा तो ऑफ था, ठीक है, माइक बंद नहीं था। लेकिन कभी अभी अभी एक हांगकॉन्ग में एक वाक्य हुआ, एक चीनी प्रोफेसर ने 1.5 घंटा लेक्चर दिया, फिर बाद में उसको पता चला कि उसका माइक ऑफ था। विजिबल। सर ये तो जोक है, मतलब पार्टिसिपेंट्स भी मतलब नहीं माइक नहीं ऑफ था, वो तो नहीं नहीं जोक नहीं है, जोक ऑफ नहीं है, करके बैठे थे, सीरियस। नोबडी इट्स टोल्ड हिम दैट ही हाँ इज नॉट ऑडिबल। जोक नहीं है, ये सही में हुआ है। 1 घंटे तक वो बंदा बोलता रहा, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला और उसका माइक ऑफ था। और उसने उसने इंटरनेट पे कई बार जब हम उसने ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होते हैं ना सर इसी तरह से, तो मैं कई बार ये सोच रही थी कि मीटिंग डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई, क्योंकि हम तो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं। ये ऑनलाइन में ये सब होता रहता है, ये आदमी इतना इन्वॉल्व हो जाता है पता नहीं चलता है, क्योंकि ये चीजें ये करो वो करो ध्यान में नहीं रखती है, ठीक है। तो चलिए, आज का दिन गूगल का नाम लेके गूगलेश्वर महादेव को बुलाते हैं और उसको याद करके हम लोग अपना सेशन चालू करते हैं। सो ये मेरे गूगल की स्क्रीन है, यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप अभी जो मैं करता जा रहा हूँ आपको देखना है, और अगर आपके पास कुछ नोट करने की सुविधा है तो आप नोट कर लीजिए, बाद में मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, फिर वहां से आप ये सही चीज वापस आप देख सकते हैं अगर आप कुछ मिस कर गए तो। जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको google.co.in पे जाना है, google.com या google.co.in, तो आपको स्क्रीन पे अभी google.co.in की वेबसाइट है। यहाँ पे मैं लॉग इन हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहले गूगल में लॉग इन होना है, तो
तो यहाँ पे मैं लॉग इन हुआ हूँ, अभी मैं लॉग आउट नहीं हो सकता क्योंकि ये मीटिंग है वो उसी से चालू है, ठीक है। तो आपको पहले गूगल में साइन इन में जाना है, गूगल साइन इन में, यहाँ पे आपको साइन इन बटन आएगा, वहां से आप उसको जा सकते हैं। जब आप गूगल में साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। समझ आया आपका कि नहीं आया? आपको गूगल में जीमेल की आईडी से साइन इन करना है। अभी मैं यहां से शायद अभी चलिए मैं आप ट्राई करता हूँ दूसरे एक आईडी से साइन इन करने के, लेकिन यहां से मैं अगर साइन इन यहां से निकलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मेरी मीट है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी मीट में यही आईडी से कनेक्टेड हुआ हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं साइन हूं ये आईडी से मेरी। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल में आपकी जो जीमेल वाली आईडी है, ये मेरी जीमेल वाली आईडी है ये, उससे मैं साइन इन हुआ हूं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ओके। इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। आपको गूगल में आपकी जीमेल आईडी से साइन इन करना है। मैं यहाँ पे साइन इन हूँ इसलिए, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे साइन इन नहीं होता तो वहां पे एक साइन इन बटन करके आता वहां पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल साइन इन, ठीक है, गूगल साइन इन, उसके हम लोग इमेजेस देख लेते हैं, नहीं है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। ओके फाइन, इमेजेस उसमें से कोई हमारे काम की है, हाँ, तो ये यहाँ पे बहुत सारी है, ये दिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से साइन इन होना है, ठीक है, जीमेल आईडी से आपको साइन इन होना है, ओके, ये क्लियर है, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, अगर आपने फोटो नहीं लगाई है तो यहाँ पे आपका वो अवतार आ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आपको गूगल में जीमेल आईडी से साइन इन होना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, उसके बाद आपको यहाँ पे जीमेल मिलता है, इमेज मिलती है, ये जीमेल है इमेज ही से, फिर ये यहाँ पे है नाइन स्क्वायर डॉट्स, ये जो स्क्वेयर से वो नाइन है तो उसको बोलते हैं नाइन स्क्वेयर डॉट्स, और उसका ऑफिशियल नाम है गूगल एप्स। क्या नाम है उसका? गूगल एप्स। Then you have to click on the Google Apps. आपको Google Apps पे क्लिक करना है। When you click, आपको बहुत सारे यहाँ पे Google के apps मिलेंगे, products है, ये सब Google की products है। उसमें बहुत सारी free है, बहुत सारी paid है, ठीक है। हमें क्या locate करना है? Second step के अंदर हमें locate करना है Google Drive। क्या locate करना है इसमें? इसमें ये वाला ट्राइंगल है जो गूगल ड्राइव सिंबल है, वो हमें लोकेट करना है। तो वहां पे हम लोग जाएंगे, वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव पे। सो सेकंड स्टेप है वो गूगल ड्राइव पे, आपको जाके गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही गूगल ड्राइव पे आप जाएंगे तो आपके पास आपकी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये मेरी गूगल ड्राइव है, आपको अपनी गूगल ड्राइव ऑन करनी है, ठीक है। तो ये मेरा अभी जो एरिया है वो गूगल ड्राइव का है। गूगल ड्राइव पे यहाँ पे आप जाएंगे तो ये गूगल ड्राइव में ये जो सब दिख रहे हैं आप, ये क्विक एक्सेस है, मतलब अभी अभी मैंने कुछ समय पहले इसको एक्सेस किया हुआ है, और नीचे अभी मेरा सब डेटा है गूगल ड्राइव पे, मैंने जो भी कुछ रखा है वो मेरा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये जो न्यू प्लस बटन है वो न्यू है, अगर आपको गूगल ड्राइव में कुछ भी न्यू करना है तो वहां पे आपको जाना है। फिर आपको यहाँ पे माई ड्राइव मिलेगी, उसके अंदर क्या क्या है वो मिलेगा, शेयर्ड विद मी, किसी ने अगर मेरे साथ शेयर किया हुआ है तो वो मिलेगा, रिसेंट है, आपने स्टेड किया है तो वो यहाँ पे, और आपकी ट्रेस में क्या है, और यहाँ पे उसके स्टेटिस्टिक्स है। अभी 15 GB में से मैंने 247.1 MB सिर्फ यूज किया है। सो आपको गूगल ड्राइव, जब आप एक जीमेल अकाउंट खोलते हैं तो आपको 15 GB डेटा मिलता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑन क्लाउड, विच इज मच मोर सफिशियंट। तो ये आप देखिए, मैंने अभी तक ये मेरी जो आईडी है उसमें 247 MB ही यूज किया हुआ है, बाकी ऐसे ही पड़ा है। तो इट्स अ ह्यूज डेटा,
आपको एक जीमेल आईडी फ्री में 15 GB यूज करने को देती है, तो दिस इज क्वाइट इनफ, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेकंड स्टेज के अंदर आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन इट, आपको यहाँ पे अगर कोई फाइल अपलोड करनी है तो मिलेगी, फोल्डर अपलोड करना है तो आपको एक चॉइस है, फिर गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स है, गूगल स्लाइड्स है, गूगल फॉर्म्स है, वो हमें सब अभी नहीं चाहिए, तो हमें जो चाहिए वो यहाँ पे मोर बटन पे आपको जाना है, और मोर बटन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका गूगल साइट्स है, मे बी आपका कोई फोर्थ नंबर पे होगा, फिफ्थ नंबर पे होगा या फर्स्ट नंबर पे होगा, लेकिन हमें लोकेट करना है गूगल साइट्स पे। मैंने क्या किया, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम क्लिकिंग ऑन अ न्यू बटन, मैं न्यू बटन पे जा रहा हूँ, उसमें मुझे क्लिक करना है मोर बटन पे, और मोर बटन पे आई एम क्लिकिंग ऑन अ गूगल साइट्स, ठीक है। सो जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन अ गूगल साइट्स, तो जैसे ही मैं गूगल साइट्स पे क्लिक करूंगा, आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट बन गई, ये मेरी वेबसाइट बन गई, अभी मुझे उसको नाम देना है, उसको रंग रोगन करना है, और क्या करना है, कंटेंट लगानी है। इसमें अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो सर, इट्स वेरी इजी सर। ओके, तो ये अभी आपकी वेबसाइट तो बन गई, ठीक है। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका वेबसाइट का नाम देंगे, ये आप बाद में भी दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मान लीजिए यहाँ पे अभी मेरी जो वेबसाइट है वो अंश टाइटल है, किसी को पता नहीं, उसका कोई एड्रेस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अनटाइटल साइट, ये इसका लोगो है, होम पेज है। फिर आगे यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप अनडू कर सकते हैं, और वो आपको लगा कि नहीं नहीं वो जो था वो पहले होना चाहिए था, आप उसको रीडू कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये जो तीन बटन है वो एक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ किया नहीं है। तो ये प्रीव्यू बटन है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी साइट में अभी हमने कुछ किया नहीं है। फिर यहाँ पे कोई लिंक, इसका वेबसाइट का अभी कोई लिंक नहीं बना है, क्योंकि ये अनपब्लिश्ड साइट है, जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तब तक इसकी लिंक जनरेट नहीं होगी, और इसको आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपने उसका एड्रेस नहीं बनाया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मोर सेटिंग्स से हम लोग आगे देखेंगे, तो ये पूरा फर्स्ट है, वो यहाँ पे अगर आप कुछ करेंगे इमीडिएटली यहाँ पे ये पब्लिश बटन है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया नहीं है इसलिए पब्लिश बटन है नहीं। वंस यू पब्लिश इट देन ओनली इट विल कम ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको ये फायदा है, आपको ये फायदा है कि आप अपनी वेबसाइट बना ले, आप संतुष्ट हो जाए, फिर आप उसको पब्लिश करें इंटरनेट पे, तब तक आप उसको अपने आप ही काम कर सकते हैं किसी को बताए बिना। हाँ, ये वेबसाइट बनाने के लिए इसका एक लिमिटेशंस ये है कि आपको लाइव ही बनाना पड़ेगा और डेस्कटॉप पे ही बनाना पड़ेगा। आप मोबाइल से कर सकते हैं, तो मोबाइल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इफ यू वांट आई वांट टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, अगर आप मोबाइल के ऊपर, एक तो दिक्कत क्या आएगी, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो वो उसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी, कर सकते ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, पर आपको थोड़ी परेशानी होगी। अगर आपको मोबाइल में करना है तो मोबाइल पे आपको क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा? क्रोम, वही गूगल की प्रोडक्ट है। क्रोम ब्राउजर के अंदर आप जाएंगे तो क्रोम ब्राउजर के ऊपर ऐसे तीन लाइंस होगी, वहां पे जाके आप उसको डेस्कटॉप मोड में आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा। क्रोम ब्राउजर को आपको मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको क्रोम ब्राउजर को इसमें डेस्कटॉप वर्जन पे इनेबल करना पड़ेगा, तभी ये सब फैसिलिटी आप देख पाएंगे। ओके, सो लेकिन आई एम रेकमेंडिंग कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करें तो आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट टूल बार है जो मैंने बताया, आप जब पब्लिश करेंगे तो आप, और पब्लिश आपको कितनी बार करना है, तो जितनी बार भी आप पेज पे कोई भी आपकी वेबसाइट पे आप कोई भी चेंज करेंगे तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट क्लिकिंग ऑन पब्लिश, योर वेबसाइट विल नॉट कम ऑन द इंटरनेट। और आपने कुछ बाद में चेंज किया है तो भी आपको पब्लिश करना पड़ेगा, जब आप पब्लिश करेंगे तभी वेबसाइट इंटरनेट पे आएगी।
और वो चेंज इनकॉर्पोरेट होगा। यहाँ पे व्हेन यू सी बिलो दिस, इसके नीचे तीन ऑप्शन है, इंसर्ट पेजेस एंड थीम्स, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हेडर। और नीचे जो क्यों मैं रेकमेंड करता हूँ, बेसिकली इज अ फ्री प्रोडक्ट फॉर एकेडमिशियन, और उसका एडवांटेज क्या है, एक तो आपकी जीमेल आईडी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, दूसरा आप आपका जो भी डेटा है वो आप ड्राइव में रखे, फिर ड्राइव से सीधा आप वेबसाइट पे रख सकते हैं। तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग गूगल प्रोडक्ट, क्योंकि सब जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, सो दैट इज अ बेस्ट पार्ट टू यूज गूगल वेबसाइट, ठीक है। उसके नीचे आपको एक लेआउट मिलेगा अलग अलग, आपको कौन सी लेआउट की वेबसाइट बनानी है, तो ये अलग अलग वेब लेआउट है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग यूटिलिटी है जो आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोलैप्सिबल कोलैप्सिबल टेक्स्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, इमेज कराउसल जो एक इमेज वन बाय वन घूमती रहती है, बटन आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिवाइडर आप यूज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मतलब एक पेज के अंदर आपको तीन पॉइंट्स है तो वहां से किसी एक का आपको लिंक देना है तो वहां पे आप जाके प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो सीधा इंसर्ट कर सकते हैं, कैलेंडर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, स्लाइड्स कर सकते हैं, शीट्स कर सकते हैं, फॉर्म्स कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं, सीधा आप इस यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ये एरिया पे। दूसरा है पेजेस, अभी यहाँ पे हम लोग जब बाय डिफॉल्ट कोई वेबसाइट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक ही पेज रहता है विच इज अ होम पेज, फिर यहाँ पे प्लस बटन है, वो प्लस बटन करके आप अलग अलग पेजेस बनाते सकते हैं। हम लोग देखेंगे अभी के किस तरह से हम लोग पेजेस को बनाएंगे। उसके बाद है थीम्स, ये कुछ प्री डिफाइंड थीम्स दी हुई है तो वो आप यूज कर सकते हैं। ये सिंपल थीम अभी है, ये एरिस्टोटल है, तो यहाँ पे देखेंगे चेंज होता जा रहा है, अगर इसको आप ये करते हैं तो अलग अलग है, फिर इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये प्री डिफाइन है, आपको इसमें से कोई कलर अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पे जाके आप कोई अपना कलर डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। उसका कलर कोड भी मिलेगा, आप कौन स्टाइल है आप लाइट क्लासिक हैवी जो भी आपको करना है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा एक ऑप्शन है, तो ये अलग अलग थीम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आप किसी को समझने में? नो सर नो, अभी देखिए मेरे प्रॉब्लम नहीं है। है नो प्रॉब्लम सर। ओके, अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे इतना चेंज किया तो यहाँ पे देखिए ये बटन से वो ऑन हो गए, पब्लिश बटन भी आ गया, ये सब एक्टिव हो गए, तो ये जो है ये उसको बोलते हैं प्रीव्यू बटन। ये वेबसाइट किस तरह से दिखेंगी जब आप प्रीव्यू करेंगे, तो ये मैं प्रीव्यू कर देता हूँ, तो अभी मैं प्रीव्यू मोड में हूँ। तो यहाँ पे इतनी अच्छी बात है कि आपको ये प्रीव्यू तीन मोड में मिलता है, एक डेस्कटॉप मोड है लार्ज स्क्रीन, फिर टैबलेट पे किस तरह से दिखेगी आपकी वेबसाइट तो वो दिखाता है, और मोबाइल पे किस तरह से आपकी वेबसाइट दिखती है वो दिखाता है, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वो आप चेंज कीजिए, आपको प्रीव्यू में देखिए, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अगेन गो ऑन चेंजिंग बाय क्लिकिंग दिस एग्जिट प्रीव्यू बटन। तो जैसे ही आप प्रीव्यू बटन कैंसिल करते हैं यू आर इन एडिटिंग मोड, राइट नाउ वी आर इन एडिटिंग मोड, आप इसको जब भी जी चाहे बंद कर सकते हैं, ठीक है, और वापस इसको वहीं से अब मैं बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट कहां पर है तो आप वहां से उसको वापस ले आ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका हेडर फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलिए फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, ये बड़ा हो गया तो मैं इसको यहाँ से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब जो पीछे का जो है, अभी यहाँ से आप जैसे यहाँ पे आप कर्सर रखते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चेंज इमेज चेंज हेडर टाइप, तो आप हेडर टाइप पे कर सकते हैं, तो कवर बना सकते हैं एक ये ऑप्शन है, लार्ज बैनर ये कर सकते हैं, बैनर कर सकते हैं और टाइटल ओनली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको ये सिलेक्ट करता हूँ
और थीम में जाके मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। और फोन स्टाइल भी है वो लाइट, ठीक है, चलिए क्लासिक कर देते हैं। तो ये मेरा एक हेडर बन गया। अभी ये पीछे का जो इमेज है मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे जाके चेंज इमेज करूंगा। उसमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं मेरे को, दो ऑप्शन, अपलोड एंड सिलेक्ट इमेज। तो अगर आपको खुद की कोई इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ से जाके आप अपलोड कर सकते हैं, और वहां पे खुद बहुत सारी गैलरी प्री डिफाइंड इमेज की है तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट इमेज की है, चलिए ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कुछ मेरे टाइटल के साथ मैच होता है। तो जैसे ही मैं करूंगा तो ये देखिए आ गया, तो ये मेरी अभी ये मेरा टाइटल पेज बन गया, ठीक है। तब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं कि किस तरह से ये दिखती है मेरी वेबसाइट। सो ये मोबाइल पे इस तरह से दिखेगी, टैबलेट पे इस तरह से दिखेगी, और ये लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो दिस लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पे आप जब देखेंगे, जैसे ही मैं इमेज चेंज करूंगा, यहाँ पे आपको ये आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर क्रॉस करूंगा, रिमूव रीडेबिलिटी एडजस्टमेंट, तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि देखिए अभी इमेज है वो हैवी है और जो फॉन्ट है वो दिख नहीं रहे। तो रीडेबिलिटी ऑप्शन आपको हमेशा ऑन रखना है। जैसे आप रीडेबिलिटी ऑप्शन ऑन करेंगे, आपकी जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी और फॉन्ट विल लुक्स नाइस, ठीक है। और इसको आप आपकी जो थीम है उसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम यहां तक कोई समझ में ना आया हो? नो सर, नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें कुछ टेक्स्ट लिखनी है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैं करूंगा, जैसे मैं करूंगा, ये साइट है मॉड्यूलर सिस्टम और फ्लोट है, तो आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ठीक है, इसको आप कलर भी कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करता हूं, और ये आपका थीम के हिसाब से, आपने जो कलर सिलेक्ट किया उसके हिसाब से ये काम करेगा। ये अगर ये आपको नहीं चाहिए कलर, तो थोड़ा इसका मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है, चलिए ओके। एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी FIP is basically for new teachers and it is a training program by MHRD to train new teachers and to ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिखा है। आप इसको लैंग्वेज भी इसकी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई लैंग्वेज का ऑप्शन है तो, मतलब आपकी सिस्टम में अगर आपने गूगल हिंदी या माइक्रोसॉफ्ट हिंदी का ऑप्शन इंस्टॉल किया हुआ है तो वहां पे जाके आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है ओके। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं,
ओके इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब जो भी जितना भी चाहे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जो लेआउट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मुझे साथ में कोई इमेज रखनी है, तो मैं इसको यहाँ से इसको छोटा कर दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा, कोई इमेज है उसको सिलेक्ट करूंगा या मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। मेरी ड्राइव में से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन से मान लीजिए ये है मेरे पास फोल्डर है वेबसाइट पे, मतलब ड्राइव पे, तो उसमें से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, इतनी सारी बहुत इमेजेस है, तो उसमें से चलिए ये इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये दो इमेज आई, उसमें से मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, इसको मैं इसके साथ ले लेता हूँ। तो आप साइड बाय साइड आप इमेज भी रख सकते हो, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। मान लीजिए आप कुछ पिक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड आपकी पिक्चर है, आपकी टेक्स्ट है। अब चलिए प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरह से ये वेबसाइट दिखती है। तो ये डेस्कटॉप पे इस तरह से दिखेगी, टैबलेट पे इस तरह से दिखेगी और मोबाइल पे इस तरह से दिखेगी। मोबाइल पे जब जाएंगे तो वो स्लैंट कर देगा आपका इमेज को, अपसाइड डाउन कर देगा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ समस्या, कोई प्रॉब्लम, ना समझ में आया हो ऐसा कुछ? नो प्रॉब्लम सर। ओके फंटास्टिक। अभी मान लीजिए मुझको ये वेबसाइट का नाम देना है, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम दूंगा। अभी वेबसाइट का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब इंटरनेट चेक करेगा, गूगल भी चेक करेगा जो आपकी वेबसाइट है, दो लोग एक नाम नहीं देख सकते। So, वेबसाइट एक वेबसाइट के दो नाम नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कर देख ट्राई करता हूँ, अगर वो मिल जाता है मुझे नाम तो ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ MNJFIP, ये मेरी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया MNJFIP। अभी इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ, जब मैं पब्लिश करूंगा तो अभी देखिए ये बटन नहीं ही है, कांट कॉपी लिंक फॉर अनपब्लिश वेबसाइट, यहाँ पे अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो ये आपको नहीं मिलती है यहाँ पे, कांट कॉपी लिंक फॉर पब्लिश्ड वेबसाइट, आपकी वेबसाइट की लिंक अभी जनरेट नहीं हुई है। तो ठीक है चलिए यहाँ पे जाके पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को पूछेगा पब्लिश टू द वेब, तो मेरे जो नाम है वो है और ये आपका एड्रेस ये होगा। किसी को अगर आपको देना है तो आपको ये एड्रेस देना पड़ेगा https://sites.google.com/view/mnjfip। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्री है, तो यही आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पर एक ऑप्शन से अगर आपको कस्टम यूआरएल है, कस्टम यूआरएल मेक इट इजियर फॉर पीपल टू विजिट योर साइट विथ कस्टम यूआरएल लाइक something.yourdomain.name, तो आप कर सकते। तो आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, ये डोमेन नेम आप कोई भी वेबसाइट कंपनी है उसके पास से आप परचेस कर सकते हैं, सिर्फ डोमेन नेम। इसी वेबसाइट का कंसेप्ट ऐसा होता है कि मान लीजिए एक शॉप है, तो आप पहले शॉप को परचेस करते हैं, तो जब आप शॉप को परचेस करते हैं तो उसका कोई एक लोकेशन होता है, कोई एरिया होता है, वो एरिया के अंदर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कोई एक शॉप है, तो उसको आपने परचेस किया। जब आप शॉप परचेस करते हो तो उसका स्पेस होता है 8x8, 10x8, 18x7 जो भी है, और उसके हिसाब से उसकी प्राइस होती है। तो आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, ये फ्री वाला नहीं, आप मान लीजिए कोई भी अपना कस्टमाइज वेबसाइट बनाते हैं तो आपको उसकी स्पेस लेनी पड़ेगी इंटरनेट पे, और उसका एक नाम भी देना पड़ेगा कि भाई ये फलानी फलानी जगह पे है और उसका ये नाम है, तो उसको बोलते हैं डोमेन। आपने देखा होगा google.com .in है, .org है, .info है, .net है, तो ये सब डोमेन नेम है। और डोमेन नेम का जो .in है तो मतलब वो कंट्री का वेबसाइट है,
.com है तो कॉमर्शियल वेबसाइट है, .edu है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, .gov है तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो वो आप परचेस कर सकते हो। उसमें कुछ रूल्स है, आप गवर्नमेंट नहीं डोमेन परचेस कर सकते। अगर आपको गवर्नमेंट या EDU परचेस करना है तो देन यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रूफ, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ डोमेन जो जनरल पर्पस इंसान को मिलते हैं वो अवेलेबल है, जैसे .net है, .info है, .com है, .org है, वो आप ले सकते हो। तो वो आप कोई भी वेबसाइट होस्टिंग कंपनी के पास से ले सकते हो। जब आप नाम सिर्फ लेते हैं, डोमेन लेते हैं, तो इट कॉस्ट समथिंग अराउंड 500 और इट इज बिटवीन इन द 500 to 1000 रुपीज फॉर ईयर 2 or 3, इट डिपेंड्स आप कौन किसके पास से ले रहे हो। तो वो जाके यहाँ पे मैनेज पे देंगे तो आप उसको बाइंड कर सकते हो। तो आपकी वेबसाइट गूगल की है लेकिन आपका नाम है वो खुद का है। मैं आपको बताऊंगा मेरी वेबसाइट मैंने की हुई है। अगर वो नहीं करते तो आपको ये मिलेगा, तो उसको आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम विद दिस नेम बिकॉज इट इज अ फ्री एंड यू जस्ट हैव टू यूज फॉर योर स्टूडेंट्स। तो आप बच्चों को ये दे दीजिए, बच्चे ये वेबसाइट विजिट करेंगे और उस पर आपने जो रिसोर्सेस रखे वो आप दे पाएंगे। तो अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, तो ये मेरा वेबसाइट है वो पब्लिश हो गया। अभी ये इसकी लिंक यहाँ पे देखिए जनरेट हो गई, कॉपी पब्लिश वेबसाइट, तो ये मेरा एड्रेस हो गया कॉपी लिंक। अभी आप सब भी इसको अपनी मशीन पे टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ इट लुक्स। अगर आपको देखना है तो ये एड्रेस आप sites.google.com/view/mnjfip/home अगर अपने स्क्रीन पे टाइप करेंगे देन यू विल गेट दिस वेबसाइट ऑन योर मशीन और योर ब्राउजर, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कॉपी लिंक करता हूँ और यहाँ पे मैं व्यूअर एज ए व्यूअर, अभी यहाँ पे जो मैं हूँ वो एडिटर हूँ, मैं साइट की एडिटिंग मोड में हूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एड्रेस को क्लिक करूंगा, ठीक है। देन आई एम, अभी देखिए ये मेरा व्यूइंग मोड है, तो मैं मुझे ये वेबसाइट किस तरह से लगती है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रीव्यू मोड। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई चेंज करता हूँ, अभी यहाँ पे आ जाता हूँ, इंसर्ट मुझे कोई यूट्यूब वीडियो इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाके, ये बहुत बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, सीधी आप यूट्यूब वीडियो यहाँ पे पेस्ट करें, मतलब एम्बेड करें, वीडियो रन होगा यूट्यूब पे और आपको दिखेगा यहाँ से। तो मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए कोई मैं ट्रेनिंग का, मैडम आपकी यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ यूट्यूब, उसमें BPS HRDC, ठीक है, चलिए। हाँ तो ये यही है, हाँ ये वाला, चलिए वैलिडेटरी ले लेते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है, ये वीडियो मैडम का ही है, इसको ले लेते हैं। और यहाँ पे आप देखिए लिंक है, तो ये लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वीडियो यहाँ पे बंद कर देता हूँ और ये इसको भी बंद कर देता हूँ और यहाँ पे वो वेब एड्रेस है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, बिंगो, ये अभी यहाँ से रन होगा, ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्रीव्यू में देख लेते हैं, प्रीव्यू और ये बड़ी स्क्रीन वाला कर लेते हैं, इसमें ये देखिए ये आ गया यहाँ पे। अच्छा ये जब अपलोड किया है तो प्लेबैक ऑन अदर वेबसाइट इन्होंने बंद करके रखा है, तो ये एक ऑप्शन होता है यूट्यूब पे कि अगर कोई एम्बेडिंग ऑप्शन से और बंद रखते हैं तो कोई बंदा अपनी वेबसाइट पे उसको एम्बेड नहीं कर सकता है। वेरी स्मार्ट, मेरे को बताना चाहिए था आप लोगों, ठीक है। चलिए दूसरा कोई वीडियो ले लेते हैं, उसमें ट्रेनिंग का कोई है,
एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, हाउ टू बी ग्रेट टीचर्स, प्री स्कूल, ये सब है उसमें से। मान लीजिए ये ले लेते हैं और इसका एड्रेस हम लोग वापस कॉपी कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसको मैं वापस प्रीव्यू मोड बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे ये है, मैं इसको गियर बटन पे जाके जो इसका सेटिंग है मुझे ये इसको डिलीट करना पड़ेगा और वापस मैं YouTube वीडियो ढूंढूंगा। यहाँ पर YouTube वीडियो, यहाँ पे वापस एड्रेस पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ही सर्च करें, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। सिलेक्ट, हाँ ये आ गया। अब इसको आप प्रीव्यू देखते हैं। अच्छा आप देखिए, ये मेरा यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वीडियो नहीं आया क्योंकि मैंने क्या किया है, पब्लिश नहीं किया। अभी नाउ आई एम पब्लिश, जितनी बार मैं चेंज करूंगा वो मुझे पूछेगा पब्लिश, तो आपको पब्लिश करना है। अब जैसे ही पब्लिश होगा यहाँ पे मेरे को दिखेगा ये, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वीडियो वहां पे दिखेगा मेरे को। ठीक है, इसका मैं प्रीव्यू ले लेता हूँ। चलिए, तो अभी ये वीडियो यहाँ से रन होता है, जैसे कि ठीक है, खराब हो रही है, मतलब मैं समझा नहीं। इसका एडवांटेज ये है, इसका एडवांटेज ये है, बच्चे यूट्यूब पे नहीं जाएंगे। अगर आपका किसी को वीडियो यहाँ पे रखना है अपनी वेबसाइट पे, तो इसका एडवांटेज है, जब आप उसको यूट्यूब का लिंक देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो है, देखिए यहाँ पे जब मैं गया तो ये बहुत सारे हैं, तो बच्चे आपका वीडियो देखेंगे या ये सब देखेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि ये इसके आपने वीडियो लगा दिया यहाँ पे, आप इसको इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कुछ लिख लीजिए, तो बच्चे समझ भी जाएंगे और वो यूट्यूब पे नहीं जाएंगे और यहीं पे वीडियो देखेंगे। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ कीपिंग यूट्यूब वीडियो ओवर हियर। This facility is known as embedding. This facility is known as the embedding. इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? आप दो तीन वीडियो साथ में लगा सकते हैं। हाँ सर। हाँ। सर ये जो वीडियो अपलोड किया अभी यहाँ से YouTube से लिंक के थ्रू हमने, तो YouTube पे भी रन होगा और यहाँ भी रन होगा, ये हमारे लिए सिलेक्टेड हो जाएगा कि हम इसी पे कर दें। हाँ, ये इसका एडवांटेज, इसको एम्बेडिंग बोलते हैं। आपको सेव नहीं करना है, आप स्पेस जो है वो यूट्यूब का यूज कर रहे हो। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, या सर कितनी वीडियोस हम यहाँ डाल सकते हैं? और जितनी चाहे, अभी तो हम लोग होम पेज पे है, अभी हम लोगों ने पेज बनाया ही नहीं। मान लीजिए मुझे एक और वीडियो डालना है तो मैं इसको ये मैंने यहाँ पे ही सर्च किया, ये दूसरा वीडियो है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, हो गया। इसके नीचे और रख सकता हूँ, वो यहाँ पे रख सकता हूँ, जितनी चाहे वीडियो आप कर सकते हो। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चंस? चलिए, तो फिर ये हो गया मेरा फर्स्ट पेज, ठीक है। अभी मुझे और पेज बनाना है क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट पेज ही है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा पेजेस पे, तो अभी ये होम पेज ही बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू पेज। मान लीजिए न्यू पेज करता हूँ, चैप्टर वन, आप कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये बाई चांस ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, दूसरा पेज बनाता हूँ, चैप्टर टू, तीसरा पेज बनाता हूं, चैप्टर थ्री। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये पेज बनाया है, ये मेरा होम पेज है,
ये चैप्टर वन है, ये चैप्टर टू है, चैप्टर थ्री है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए नेविगेशन बन गया, तो यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, ये मेरा नेविगेशन बन गया। जितने पेज बनाएंगे उसका नेविगेशन बनेगा, ठीक है। ये नेविगेशन अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक गियर बटन है, वहां पे आप क्लिक कीजिए तो ये नेविगेशन का सेटिंग खुल जाएगा, और वहां पे दिया हुआ है आप टॉप, तो टॉप की जगह आप साइड कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप कलर भी दे सकते हो, व्हाइट, ब्लैक, जो भी है, ठीक है। मैं अभी व्हाइट रखता हूँ, और ट्रांसपेरेंट भी आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो अभी मेरा नेविगेशन मेनू यहां से टॉप मेनू चला गया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो खुलेगा। सो आपको जो चाहे वो रख सकते हैं, अभी मैं इसको टॉप में कर देता हूँ, तो ये मेरा मेनू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वो चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक पेज आप बना रहे हो वीडियो, और उसको आपको पब्लिश नहीं करना है, मतलब यहाँ पे नहीं आना है, लेकिन पेज रखना है, आपको लिंक देना है, तो वो भी आप कर सकते हो, कस्टम पाथ भी देख सकते हो। अभी मैं इसको वीडियो पे जाऊंगा, और यहाँ पे जब ये वीडियो पेज यहाँ पे आ गया, लेकिन वीडियो यहाँ पे तीन डॉट है, उसको मैं करूंगा, और उसको करूंगा हाइड फ्रॉम नेविगेशन, तो ये हाइड फ्रॉम नेविगेशन हो गया, इसको यहां से चला गया। इसको मुझे डिलीट करना है, तो यहां से मैं डिलीट भी कर सकता हूं। अगर इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे चैप्टर थ्री के अंदर मुझे कोई सब पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे करिए और यहाँ पे सब पेज बना दीजिए 3.1। तो यहाँ पे आप देखिए एरो आ गया और यहाँ पे 3.1 बन गया, ठीक है। तो ये आप सब पेज भी बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो। अभी मान लीजिए ये इंडिविजुअल पेज खुल गया, ये होम पेज है, ये चैप्टर वन है, चैप्टर टू है, चैप्टर थ्री है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। मुझे ये हेडर टाइप सिर्फ टाइटल ही चाहिए, तो इस तरह से भी आप रख सकते हो। आपको जो चाहिए आप इंडिविजुअल पेज में चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे मान लीजिए एक और पेज बनाता हूं, कॉन्टेक्ट अस। मान लीजिए आपको अपनी और इसको अगर आपको स्क्रॉल करना है, ये पहले यहाँ पे आया है, तो आप यहाँ से इसको उठा के कर सकते हैं। मान लीजिए ये है, तो इसको आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं, मॉड्यूलर है। कॉन्टेक्ट अस के अंदर आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं देता हूँ, महेश जीवानी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट, गुजरात, 36005, ठीक है। ये मैंने दे दिया यहाँ पर, और इसके साथ मैं अपना मैप्स भी दे सकता हूं। ठीक है, ये आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं यहां पे लग लेता हूं। अब इसका मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो आप इस तरह से भी किसी को दे सकते हैं। देखिए आपका कॉन्टेक्ट एड्रेस है, आपका मैप है कि कहाँ पे को किसी को मिलने आना है, तो आपको ये सब आप बड़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे, सीधा फॉर्म भी आप रख सकते हैं। किसी को डाउट है तो यहाँ पे आप जाके फॉर्म्स कर सकते हैं सीधा। फीडबैक फॉर्म है, कोई भी है, विजिटर फीडबैक डायरेक्ट यहाँ पे है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप खुद का भी बना सकते हैं। ये फॉर्म आ गया,
अब इसको हम लोग प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए सीधा फॉर्म है, विजिटर फीडबैक जो भी आता है वो आपको फीडबैक दे जाएगा, भाई आपकी वेबसाइट अच्छी है, ये है वो है, तो सब फैसिलिटी इसमें है। कोई मटेरियल आपको रखना है तो आप सीधा यहाँ से डॉक्स, स्लाइड्स, सीट्स जो भी है, मान लीजिए कोई मटेरियल आपको यहाँ पे रखना है तो डॉक्स पे क्लिक कीजिए, पहले उसको आपको आपकी ड्राइव पे लगा देना है। तो ये मैंने ड्राइव पे है मेरा डॉक्स, तो उसको मैं इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो बच्चे यहाँ से सीधा ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? और जितनी भी आप करें तो इसको यहाँ से पब्लिश करना है आपको, ये ड्राफ्ट है और ये पब्लिश है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको पब्लिश करना है, तो ये आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। जितने भी ये चैप्टर हमने, जो चैप्टर हमने क्रिएट किए हैं कॉन्टैक्ट, ये हर चीज हमने पब्लिश करनी पड़ेगी? हाँ, जितने भी बार आप चेंज करेंगे वो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। ठीक, अब मान लीजिए ये मैंने बंद कर दिया बाय चांस, ये मैं एडिटिंग हो गया, आज का काम मेरा खत्म हो गया तो मैंने बंद कर दिया, तो अभी वेबसाइट जाएगी कहाँ? तो ये आपकी जो ड्राइव है, ये आपकी ड्राइव है, उसमें ये वेबसाइट है, ये देखिए यहाँ पे है वेबसाइट, आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, तो कि ये रही, ये आपकी वेबसाइट है, आपकी ड्राइव में रहेगी, आपको इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे वापस ये वेबसाइट खुल जाएगी। जितनी बार आपको एडिट करना है तो अभी आप क्या करेंगे, ये आ गई आपकी वेबसाइट, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं आराम से, नो इश्यू, लेकिन आप सब काम खत्म हो जाए बाद में आप उसको पब्लिश करें। तो इसमें कोई डाउट है? ये आसान तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं, मटेरियल रख सकते हैं। एनी डाउट? यहां से अगर आप सीधा ड्राइव खोल के आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये मेरी ड्राइव है, तो उसमें से अगर मुझे ये असाइनमेंट्स है या ये फोल्डर है तो ये फोल्डर मैं सिलेक्ट करता हूँ, मतलब आपका मटेरियल आप इसमें रख दीजिए, ये फोल्डर है, इसको आप इंसर्ट करें तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा फोल्डर, और बच्चे यहाँ से वो ले सकते आराम से। ठीक है, ये जब मैं प्रीव्यू में देखूंगा तब ये मुझे यहाँ पे फोल्डर दिखेगा, क्योंकि ये मैंने शेयर नहीं किया है इसलिए यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, पर आप कर सकते हो, कोई फाइल भी है, कोई पीडीएफ फाइल है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए ये चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ पे मुझे कुछ करना है तो मैं ड्राइव पे जाऊंगा, ये मेरी ड्राइव है, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट है, ये इमेज है, इमेज है, हाँ पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा वो। तो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आ गया, तो बच्चे यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं सीधा। ठीक है, इसको आप प्रीव्यू कर लीजिए, तो अब देखिए पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, इट्स वेरी इजी, सिर्फ आपको वहां से उठा के रखना है। एनी प्रॉब्लम? Any doubts? No sir, no. Okay. अगर by chance ये सब आप भूल जाए तो आपको यहाँ पे मैं एक वेबसाइट देता हूँ, ये आप लिख लीजिए, ये मेरी वेबसाइट है ispurse.net। जब आप करेंगे तो ये पेज आएगा ispurse.net। ठीक है, वहां पे ये 3 चीजें है, इलेक्ट्रॉनिक्स, e-learning, e-connect। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कोई काम की चीज नहीं है तो यहाँ पे ये e-learning पे आपको क्लिक करना है, तो ये एक वेबसाइट खुल जाएगी e-content development, उसमें आपको यहाँ पे जाना है Google Site New। दो वेबसाइट है, Google Site Classic एंड Google Site New। Google Site Classic है वो Google ने बंद कर दिया अभी, तो आप वहां पे मत जाइए, Google Site Classic पे क्लिक कीजिए तो आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा जो अभी हम लोगों ने किया ना, वो अगर बाय चांस आप भूल गए किस तरह से, तो ये आप 3 वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट, जैसे मैंने कल बताया था कि यू आर द बेस्ट फैसिलिटेटर, तो
तो ये तीन वीडियो बेस्ट है। अगर आप ये तीन वीडियो इसमें अगर मैंने जो दिखाया वो भूल गए तो ये तीन वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपके लिए रिसोर्स है, इसके अंदर बहुत, ये वेबसाइट के अंदर बहुत कुछ है। आप होम पे जाएंगे तो आपको पूरा ई कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में आपको पता चलेगा, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके रिसोर्सफुल जो भी है वो यहाँ पे मैंने रखे, टूल्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स, वो आपको किस तरह से क्या क्या करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और गूगल वेबसाइट, ये सब ट्यूटोरियल्स मैंने यहाँ पे रिसोर्सेस रखे हैं, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से जाना है तो मैं वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ से जाना है eSpurs.net, उसमें ई लर्निंग, तो आप चले जाएंगे। और ये एक मैं गूगल वेबसाइट ही यूज करता हूँ, कस्टम मेरा नाम है mnjivani.in, जो मैं अपने बच्चों के लिए यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेक्चर नोट्स रखे हैं, वीडियो रिसोर्सेस मैंने रखे हैं। मान लीजिए ये मैं पेपर पढ़ाता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें होती है, माइक्रो प्रोसेसर, तो यहाँ पे मैंने उसके वीडियो रखे, तो बच्चों को सब कुछ मिल जाता है यहीं से। लेक्चर नोट्स रखे, तो ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसके पीडीएफ मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो बच्चे वहाँ से सीधा पीडीएफ ले सकते हैं। मोबाइल सेप मैंने बनाई हुई है तो वो यहाँ से रख सकते हैं। कॉन्टेक्ट दिया हुआ है मेरा यहाँ पे, तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पब्लिकेशन है तो यहाँ पे सीधा मैंने सिर्फ लिंक दी हुई है गूगल स्कॉलर की, क्योंकि आजकल कोई पीडीएफ वीडीएफ रखने का चक्कर है नहीं, आप सीधा ये मिल जाएगा क्या भाई आप क्या काम कर रहे हो, तो ये सब मेरे पब्लिकेशन से। सोशल मीडिया पे होना अच्छी बात है, लेकिन बीइंग एकेडमिशियन आपको यहाँ पे होना बड़ा जरूरी है गूगल स्कॉलर पे, तो मैंने गूगल स्कॉलर की लिंक दे दी है। ये सब मेरे पब्लिकेशन से अभी तक इतना बहुत सारा काम नहीं किया है, 3-4 साइटेशन है, एच इंडेक्स 9 है, I10 इंडेक्स 8 है, तो ये सब मेरा काम है जो मैं अपने सब्जेक्ट में काम करता हूँ, तो उसकी डिटेल्स है, ठीक है। फोटो गैलरी लिंक्स ये सब दिए है, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो, दिस इज वेबसाइट। लेकिन ये वेबसाइट मैंने बनाई है गूगल के अंदर, ये आप देखिए गूगल वेबसाइट से, गूगल पावर्ड बाय गूगल साइट, लेकिन मैंने नाम दिया है यहाँ पे कस्टम डोमेन, जो मैंने आपको बोला था वो मैंने लिया है, और उसका एक प्रोसीजर है, वो आप जब कोई डोमेन नेम वाले से आप लेंगे तो वो आपको डोमेन का प्रॉपर्टीज देंगे, वो प्रॉपर्टीज आपको इसके साथ गूगल के साथ बाइंड करना है। थोड़ा टेक्निकल एडवांस टॉपिक है, लेकिन अगर आप पे ले वेबसाइट बना ले फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल शो यू हाउ टू डू दिस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ गूगल वेबसाइट्स, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगी, बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सो ओवर टू यू मैम शेफाली मैम, अगर और किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ प्लीज सर, मैं डॉक्टर विजय कुमार सीआरएसयू जींद से। हाँ बोलिए सर। सर मेरा एक तो सवाल ये है कि अगर हैक हो जाए तो उस केस में क्या किया जा सकता है, क्या ये सिक्योर? हाँ 100% सिक्योर है, सेफ्टी है। जब तक आप एक सवाल सर, आपका आपका गूगल का पासवर्ड किसी को नहीं देंगे तब तक ये 100% सिक्योर है, क्योंकि ये गूगल का वेबसाइट है। जी सर। एक सर ये है कि अगर स्पेस को इंक्रीज करना हो, 15 GB इज मोर देन सफिशिएंट सर, 15 GB है, वो भी आपको कम पड़ जाए तो एक नया आईडी, नया वेबसाइट खोल लीजिए, इसके साथ इसको लिंक कर दीजिए। लिंक हो सकता है यानी सर? इसी डोमेन नेम के साथ? हाँ सर। जी सर। एक सर अगर सब्सक्राइब को यानी कि सब्सक्राइब करना हो वेबसाइट को, ताकि हम जो भी अपडेट डालें वो उन फॉलोवर्स के पास पहुंच जाए, क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ कस्टमाइज का ऑप्शन है, वो आप कर सकते हो, वो एडवांस टॉपिक है,
आप यू लर्न इन गूगल और यूट्यूब वीडियो यू विल गेट गूगल एनालिटिक्स भी कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे एडिंग्स है वो भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया नहीं है ये एम्बेडेड कोड है उसको आप बाय यूआरएल और बाय एम्बेडेड कोड से आप इंसर्ट कर सकते हो क्योंकि सबको प्रोग्रामिंग और ये सब नहीं पता होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं दिखाया है लेकिन आप उसका कोड सर्च करके यहाँ पे कर सकते हो तो उसको बोलते हैं आरएसएस। एक सर इसमें क्या हम एडवर्टाइजमेंट भी ले सकते हैं अपनी वेबसाइट पे ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं सर ये इसीलिए बनाया है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है उस वो करना है तो आपको करना है विक्स या विबली क्योंकि ये बहुत गलत गलत वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट आ गई तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे सो इट्स नॉट गुड आइडिया। जी सर बिल्कुल सर ये पढ़ाने के लिए पैसे कमाने के लिए नहीं है। जी सर और एक सर इस वेबसाइट पे क्या पेमेंट ऑप्शन इंक्लूड हो सकता है? उसका आपको प्लगइन देखना पड़ेगा शायद नहीं है। ओके सर थैंक यू सर क्योंकि ये एकेडमिक फैसिलिटी है इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। जी सर हेलो हेलो सर माय क्वेश्चन इज दैट सर कि अगर हमें इसमें कुछ भी एडिटिंग करना है तो जिस जीमेल अकाउंट के थ्रू हमने इसको बनाया है उसी पे जाके गूगल ड्राइव में वही प्रोसेस होगा सर? हाँ वही वही से करना पड़ेगा। ओके सर थैंक यू। हेलो हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन है कि जैसे हम कॉमन सर्च मारेंगे गूगल में तो जो हमने जीमेल के थ्रू वेबसाइट बनाया है तो कॉमन सर्च में क्या हम पार्टिकुलर नाम दे सकते हैं कि वो हमारा लिंक वहाँ पे सर्च मारे तो डायरेक्ट हमारा इस लिंक पे वेबसाइट पे चला जाए? हाँ आपको कीवर्ड्स दीजिएगा तो चला जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है मैं गूगल पे जाता हूँ बराबर है ये मैं महेश जीवानी क्योंकि मेरा नाम है वेबसाइट पे तो सर्च में दिखाएगा ये यहाँ पर है मेरा नाम यहाँ पर है जहाँ जहाँ पे है ये आ गया देखिए मेरा वेबसाइट mnjivani.in about me इस पर है तो ये मेरा वेबसाइट आ गया ये गूगल का ही वेबसाइट है मेरा। ओके सर थैंक यू। एनीबडी एल्स अगर कोई क्वेश्चन से कुछ है कोई डाउट है ठीक है तो शेफाली मैम जी सर इतना ही ये लोग आज बचा पाएंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बट देखो कम खा लेंगे सर वो अच्छा है राइट और डाइजेशन भी वही सही नहीं है सेहत के लिए बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका कीमती समय देने के लिए। आप हमें पता है कि आप अस्वस्थ चल रहे हैं पूर्णतः ठीक नहीं है फिर भी आप अपना समय देते रहे हमें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर आपसे मुलाकात होगी नए सेशन में सर पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका धन्यवाद और डायरेक्टर यूजीसी एचआरडीसी मैडम शिफाली लाल मैम की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल करवा देना प्लीज सर। जी जी बिल्कुल आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी और चैट बॉक्स में भी शेयर कर देंगे सर। ओके सर जी अभी हम यहाँ पे लेते हैं 15 मिनट्स का ब्रेक आफ्टर दैट देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू सेशन। 30 मिनट्स का सर 15 मिनट्स 15 मिनट का ब्रेक लेंगे